हेलो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, words importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number। तो सेक्शन 8 इंडियन पीनल कोड का यह कहता है कि पूरी आईपीसी में जब भी कहीं किसी भी सेक्शन में कोई सिंगुलर नंबर लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब प्लूरल नंबर भी माना जाएगा। इसी तरीके से पूरी आईपीसी में कहीं भी अगर कोई प्लूरल नंबर लिखा हुआ है तो उसका मतलब सिंगुलर नंबर भी माना जाएगा। तो आईपीसी में कहीं पर अगर लिखा हुआ है मैन तो उसका मतलब एक से ज़्यादा आदमी भी माने जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कहीं पर भी अगर सिंगुलर नंबर लिखा हुआ है तो सिंगुलर नंबर को हमें केवल और केवल सिंगुलर नंबर ही नहीं समझना है, उसे हमें प्लूरल नंबर भी समझना है। जब तक कि किसी सेक्शन में क्लियरली ये ना लिखा हो कि यहाँ पे सिंगुलर का मतलब सिंगुलर ही है। अगर किसी सेक्शन में क्लियरली यह लिखा हुआ है कि सिंगुलर का मतलब सिंगुलर ही है तो बात अलग है, नहीं तो जहाँ कहीं पर भी सिंगुलर नंबर आएगा उसको हमें प्लूरल नंबर भी मानना है और जहाँ कहीं पर प्लूरल नंबर आएगा उसको हमें सिंगुलर नंबर भी मानना है। दैट इज़ वॉट सेक्शन 9 सेज। और आज हम सेक्शन 10 भी पढ़ेंगे। सेक्शन 10 कहता है द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग of any age and the word woman denotes a female human being of any age। फिर से बताता हूँ सेक्शन 10। The word man denotes a male human being of any age, the word woman denotes a female human being of any age। तो सेक्शन 10 IPC का ये कहता है कि IPC में जहाँ कहीं भी man लिखा आएगा उसका मतलब होगा पुरुष, उसकी एज कुछ भी क्यों ना हो, चाहे उसकी एज 1 साल है, चाहे उसकी एज 6 महीने है, चाहे उसकी उम्र 90 साल है, चाहे उसकी उम्र 80 साल है, उसको मैन माना जाएगा। और इसी तरीके से आईपीसी में जहाँ कहीं भी वूमन शब्द लिखा हुआ है, वूमन, तो वूमन का मतलब महिला से होगा, चाहे उसकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, चाहे उसकी उम्र 6 महीने हो, चाहे उसकी उम्र 60 साल हो, चाहे उसकी उम्र 15 साल हो, वूमन का मतलब वूमन माना जाएगा। सेक्शन 10 आईपीसी ऐसा कहता है। अगर किसी 6 महीने की बच्ची के साथ कोई बदतमीजी कर देता है, अगर कोई 1 साल की बच्ची के साथ बदतमीजी कर देता है, तो फिर अगर उसके ऊपर सेक्शन 354 आईपीसी के तहत अगर मुकदमा चलाया जाता है तो वो ये नहीं कह सकता कि देखो सेक्शन 354 में तो ये लिखा हुआ है कि हूएवर आउटरेजेस द मोडेस्टी ऑफ अ वूमन, तो वहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 354 उसी पे लगेगा जो एक वूमन की मोडेस्टी को आउटरेज करता है। देखो जी, ये तो वूमन नहीं थी, ये तो केवल 6 महीने की बच्ची थी, ऐसा कह के वो आदमी बच नहीं सकता है। बेशक उसकी उम्र 6 महीने ही क्यों ना थी, लेकिन आईपीसी के पर्पज से उसे वूमन माना जाएगा। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट कई केसेस में कह चुकी है और सेक्शन 10 स्पेसिफिकली इस चीज़ को क्लियर करता है कि एज चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वुमन का मतलब वुमन ही माना जाएगा। सेक्शन 11 भी आज हम देख लेते हैं। सेक्शन 11 कहता है द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। फिर से बताता हूँ, सेक्शन 11 कहता है द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो सेक्शन 11 आईपीसी का कहता है कि पर्सन, जब पर्सन शब्द आईपीसी में लिखा आएगा तो पर्सन शब्द में कंपनी भी शामिल होगी, एसोसिएशन भी शामिल होगी और बॉडी ऑफ पर्संस भी शामिल होगी। इसका मतलब आपराधिक मुकदमे हम कंपनी के ऊपर भी चला सकते हैं, एसोसिएशन के ऊपर भी चला सकते हैं, बॉडी ऑफ पर्संस के ऊपर भी चला सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट उनको किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा ही किया जाएगा। फिजिकल प्रेजेंस किसी व्यक्ति की वहाँ पर होगी जो कंपनी की तरफ से
कोई रिप्रेजेंटेटिव उनका आएगा, एसोसिएशन की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, बॉडी ऑफ पर्सन्स की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, और जब आप कंपनी के ऊपर मुकदमा करेंगे तो कंपनी पर जुर्माना भी हो सकता है और कंपनी या एसोसिएशन मानहानि के लिए डिफामेशन के तहत भी किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमा कर सकती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो कंपनी है, डिफामेशन का केस कैसे करेंगी। अगर किसी कंपनी की मानहानि होती है तो उस कंपनी को भी पूरा हक है कि वह डिफामेशन का केस किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कर सकती है। तो आईपीसी में जहाँ कहीं भी शब्द आएगा पर्सन, तो पर्सन में वह सब लोग भी शामिल होंगे जिनको हम कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स कहा जाता है। सो टुडे फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड द सेक्शन 9, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। सेक्शन 9 सिंपली सेज दैट वेयर एवर सिंगल नंबर अपीयर्स इन द एंटायर आईपीसी, वी हैव टू थिंक दैट सिंगुलर नंबर मीन्स प्लूरल नंबर, एंड वेयर एवर प्लूरल नंबर अपीयर्स इन द एंटायर आईपीसी, वी हैव टू consider that the plural number means a singular number. And in the same way, the next section says that the wherever in the entire IPC the word woman appears, we have to understand woman of all age. We do not have to consider what is the age of the woman. If the age of a woman is 6 months only, even then she shall be treated as the woman. If the age of the woman is 70 years, even then she has to be treated as the woman. So this is what these sections today, this is what these sections say. Tomorrow I'll come with the next section before you. And kal tak ke liye aap se vida leta hoon. Khush rahe, swasth rahe.